बेटा मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं इसलिए काम कर रही हूँ। मेरे पास कोई जमीन जायदाद घर नहीं है, बेटा नहीं है, शोर नहीं है बेटा, बस मेरे से ज़्यादा बात नहीं होती। मेरा अल्लाह के सारे के सिवा कोई सारा नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये मेरी आप बेशक। अस्सलामुअलैकुम पाक टीवी 24 के साथ मैं हूँ साइमन आज हाशमी, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जुमे का दिन है और जुमे का आगाज़ हम एक ऐसी अच्छी बात से करेंगे, एक ऐसी आपको मैं कहता हूँ दर्द भरी दास्तान सुनाएंगे। एक ऐसी माँ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कारोबार कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं, और उनकी मजबूरी क्या है इसके पीछे वो अपनी आप अपने मतलब बात नहीं करना चाह रही हमसे, ठीक है। उनका कहना है कि मैं बात नहीं कर सकती, एक तो बीमार हैं वो, और एक उनकी ये है कि सिस्टर उनकी डेथ हो चुकी है और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं और यहाँ अपना काम कर रही हैं और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। किस तरह से एक बाज़ार के अंदर, मंगल बाज़ार है यहाँ पे, सॉरी जुमा बाज़ार है। तो मेरी गुजारिश ही है आप दिखाने वालों को, मैं खुद नहीं बोल सकता, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह से बात करूँ आप लोगों से, यकीन करें जब मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिला बात की वो रोना शुरू हो गई और इतनी आपदीदा हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनकी आँखें नम थी और उनके मुँह से अल्फाज नहीं कर रहे थे कि वो बयान करें अपनी कोई जो वजह है, रियलिटी है जो उसे बयान करें। अल्लाह जाने अंदर की क्या बात है, लेकिन वो बहुत दुखी हैं और वो किसी तरह से भी बात करने को राज़ी नहीं हो रही थी। तो मेरी गुजारिश पे, मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने, मैं सिर्फ इतना मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आपका कोई ना कोई वसीला बने, आप अपना मोबाइल नंबर दे दें ताकि देखने वाले जो हैं, अल्लाह के बहुत से ऐसे लोग हैं, मुहैया हज़रात बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुस्तक लोगों को देखना चाहते हैं, मुस्तक लोगों को पसंद करते हैं, उनकी मदद करना पसंद करते हैं। तो बस इसलिए मैंने ये प्रोग्राम ज़बरदस्ती उनके पास आया और मैं ज़िद की उनसे कि एक बेटा समझ के आप मेरी बात सुने और जो है अपना नंबर वगैरह दे दें। मुहैया हज़रात से गुजारिश है कि वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे और मेरी भी आप सबसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के लास्ट में जब वो नंबर दें उसके बाद कॉन्टेक्ट करें इनसे, क्या परेशानियाँ हैं इनकी वो आपको शायद ना बता सकें क्योंकि वो सिर्फ रो सकती हैं, जब बात करती हैं सिर्फ रोती हैं और कोई बात नहीं कर सकती वो। तो मैं सिर्फ उनसे नंबर लेना चाहूँगा, मज़ीद उनसे कोई हम किसी किस्म की बात नहीं कर सकते। माँ जी ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, सिर्फ ये है कि अपना नंबर आप दे दें देखने वालों को ताकि वो, आप यहाँ पर काम कर रही हैं आखिर किसी परेशानी की वजह से कर रही हैं। बेटा मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं इसलिए काम कर रही हूँ। मेरे पास कोई ज़मीन जायदाद घर नहीं है, बेटा नहीं है, शोर नहीं है बेटा, बस मेरे से ज़्यादा बात नहीं होती। मेरा अल्लाह के सारे के सिवा कोई सारा नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये मेरी आप बेशक बस बेटा। मैं भी ज़्यादा बात नहीं कर सकता इनसे क्योंकि ये एक माँ है, दुखी है, ना जाने इनके क्या क्या दुख हैं, ये तो अल्लाह जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा ऐसे लोगों को देखें, ऐसे मोस्तक लोगों की मदद करें, ना कि आप तरह तरह के लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं जो रायगाह जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों की हेल्प किया करें जो मुस्तक हैं, वाकई मुस्तक हैं। आप देख रहे हैं कि वो मुझसे भी बात नहीं कर रही, वो रो रही हैं सिर्फ। इनका मोबाइल नंबर मैं आपको बोल देता हूँ, 03100877537। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनका मोबाइल नंबर है 03100877537। इनका कोई बेटा नहीं है, घर में दो बेटियां हैं और अपना गुजारा चला रही हैं, अपना रोज़गार का ज़रिया इनका ये सब जो सेल कर रही हैं, कुछ यहाँ पे कपड़े हैं, एपनर्स वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, हैंड कर्चीज़ वगैरह, ये चीज़ें सेल करके अपना गुजारा कर रही हैं। साइमन हाशमी, पाक टीवी 24, इस्लामाबाद।